नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जहां पर पीड़िता की मां पर पॉक्सो एक्ट लगाने का ये मामला है। रतनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। पूर्व थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह को निलंबित किया गया है। एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने आदेश जारी किया है। पीड़िता की मां को जमानत मिली, 9 दिनों बाद पीड़िता की मां को बेल दी गई है। 19 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठे थे। पीड़िता की मां को जमानत मिली है, 9 दिनों बाद पीड़िता की मां को बेल मिली है। 19 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। पीड़िता की मां को रिहा किया गया है, बेल दी गई है। एसडीओपी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। साथ ही साथ थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। एसडीओपी सिद्धार्थ बघेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पीड़िता की मां को जमानत मिली है, 9 दिनों बाद पीड़िता की मां को बेल मिली है। 19 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। 9 दिनों बाद पीड़िता की मां को बेल मिली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, युगल, युगल तिवारी। युगल, पीड़िता की मां को अरेस्ट किया गया था, अब जो है बेल मिली है, जमानत मिली है, साथ ही साथ थाना प्रभारी को निलंबित भी किया गया है। क्या ज्यादा जानकारी है, किन आधारों पर जांच हो रही है? जी देखिए, 19 मई को यह पूरा मामला प्रकाश में आया था। पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता की मां को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बवाल बढ़ता गया और रतनपुर में कई तरह के धरना प्रदर्शन अलग अलग संगठनों ने किया। सर्वधर्म जो सभा थी उसने भी बंद बुलाया और बंद का असर भी हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। इस बीच एसपी बिलासपुर संतोष कुमार सिंह ने एक जांच टीम गठित की थी और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने की बात कही थी। जो जांच रिपोर्ट है कल सौंपी गई है और न्यायालय में जमानत के लिए पीड़िता की ओर से जो है याचिका भी लगाई गई थी और जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। और जो जांच चुकी, अभी जांच में किस तरह की खामियां पाई गई थी इसका खुलासा इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि अभी जांच जो प्रकरण है वो न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है। ऐसे में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक वैसे भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बचाव पक्ष के जो वकील थे उन्होंने इस पर दलील दी है कि प्रार्थी के जो बयान है मतलब यही है कि जो पीड़िता की मां पर जो आरोप लगे थे तो जो उसकी जो प्रार्थी था उसने जो आरोप लगाए हैं उसमें विरोधा पास पाए गए हैं और पुलिस ने भी जमानत का विरोध भी नहीं किया। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है उसके बिना पर जमानत है वो जो पीड़िता की मां है उसे दे दी गई है। और बड़ी बात यही है कि तत्कालीन जो थाना प्रभारी थे रतनपुर के कृष्णकांत सिंह, उसे निलंबित करके लाइन अटैच जो है कर दिया गया है। और इसके अलावा जो वहां के जो एसडीओपी थे सिद्धार्थ बघेल, उसे भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कि इसमें कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जांच टीम ने जो जांच प्रतिवेदन दिया है तो हो सकता है कि उसमें कई खामियां मिली होंगी जांच में पृथक से, तो ये तो आने वाले वक्त ही बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि पुलिस के इस जांच के बाद ये तय हो गया है कि जो हंगामा हो रहा था वो शांत हो सकता है क्योंकि अभी भी धरना प्रदर्शन अलग अलग दिन तिथियों में लगातार जारी था। लेकिन अभी फिलहाल निलंबन की गाज है जो तत्कालिक थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह पर गिरी है। जी सुकमा से बड़ी खबर है, नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। विस्फोटक के साथ ही नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। एसपी सुनील शर्मा और एसपी किरण चौहान के नेतृत्व में सफलता मिली है। कोंटा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। करने के लिए आए कुछ मिलिशिया सदस्यों को पुलिस ने सुंदमगुड़ा मुल्लीगुड़ा के बीच नाकाबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त करी।
उक्त माओवादी संगठन के सदस्य मड़कम देवा मड़कम हिड़मा जो कि कनाईपाड़ के रहने वाले हैं और स्वयं जोगा जो कि गोमपाड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो पोंटा एरिया कमेटी के सदस्य माड़वी देवा के कहने पर पुलिस पार्टी के रेकी करने आए थे। साथ ही साथ ये विगत दिनों पोंटा क्षेत्र में हुई घटनाएं जैसे कि BSNL के कर्मचारी और ठेकेदारों के साथ मारपीट और आगजनी की घटना। बिलासपुर में पुलिस का बड़ा खुलासा देखने को मिला। चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 20,000 की चोरी, अब तक मिले हैं 53 लाख। दो चोर के पास से फिर 12,38,000 रुपए बरामद किए गए। पहले भी पुलिस ने जब्त की थी 41 लाख रुपए की राशि। बहन के घर में चोरी कराई। मामले में अब तक 53 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं। आरोपी के द्वारा बताया जा रहा था कि वो घटना स्थल से उन्होंने इस राशि को प्राप्त किया था, लेकिन जो प्रार्थी है उसके द्वारा इस राशि का होना इनकार किया जा रहा है। इस मामले पर अब पुलिस क्या कर रही है? राशि है किसका? इस मामले में पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही है। तो जो अन्य जो विभाग है इनकम टैक्स, उसको भी इस जांच के लिए सौंपा जाएगा। सर, जो प्रार्थिया है वो क्या बोल रही है? क्योंकि मेन उसी के घर से पैसा मिला और बार बार वो मना कर रही है, लेकिन उसी की बहन बोल रही है उसके घर से मिला। ये दोनों में जो प्रार्थिया है और जो आरोपी है, दोनों के बयान में विरोधाभास है। सदा भी पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। जांच पड़ताल से स्थिति स्पष्ट हो पाई है। धमतरी से बड़ी खबर है। नेपाल में धमतरी के 17 लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। नेपाल के गोरखा के पास वैन गड्ढे में जा गिरी। वैन में सवार 17 लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। धमतरी के आमा तालाब इलाके के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। नेपाल के गोरखा के पास वैन गड्ढे में जा गिरी। वैन में सवार 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। धमतरी के आमा तालाब इलाके के रहने वाले ये सभी बताए जा रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है। आज रात से ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का काम होगा। आज रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। नेशनल हाईवे 53 पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। रायपुर से दुर्ग की ओर आ रहा है आज लोगों को भारी परेशान होना पड़ सकता है। दरअसल भिलाई के डबरा पारा में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये है डबरा पारा का फ्लाईओवर जहाँ पर बन रहा है वो वही जगह है। और आप देख सकते हैं कि ये जो वाहन आ रहे हैं वो रायपुर की ओर से दुर्ग की ओर जा रहे हैं और आज इसी स्थान पर जो है यहाँ पर जो है ट्रैफिक को ब्लॉक किया जाएगा। यहाँ पर पाइपलाइन का कार्य किया जाना है और इस वजह से यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बन सकती है। दरअसल ये जो सर्विस लेन है इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और ये यहाँ पर जो है वाहनों को पूरी तरह से राइट डाइवर्ट करके उनको दुर्ग की ओर भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज लोगों को परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन जो भविष्य के लिए है वो पाइपलाइन डालना बेहद आवश्यक माना जा रहा है और यही वजह है कि आज ये पाइपलाइन को डाला जा रहा है। ट्रैफिक विभाग ने सभी से सहयोग की अपील की है और साथ ही यदि बचने के लिए ट्रैफिक के जाम से बचने के लिए वे पाटन मार्ग का भी सहारा ले सकते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। News 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शारदा पीठ और ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य का अपने निवास पर स्वागत किया और पादुका पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आए शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती और ज्योतिषपीठ जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सपरिवार विधि विधान से पादुका पूजन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, चंद्रदेव राय के साथ कई अन्य विधायक भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सरगुजा संभाग में जिन ग्रामीण परिवारों के घर भोजन किया था, आज उन्हें अपने निवास पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों का स्वागत किया। सीएम ने कहा, जिस स्नेह और अपनत्व से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, उससे मैं अभिभूत हूं। आज मुझे आप सभी को अपने निवास पर आमंत्रित कर स्वागत करने का अवसर मिला। कल रात आज रायपुर संभाग के परिवारों को सीएम ने अपने निवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया था। सीएम निवास पर आयोजित भोज में शामिल होकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर सियासत जारी है। शराबबंदी पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि कानून से वो बात नहीं होते। यदि जनता शराबबंदी चाहेगी तो सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी अपराध हो रहे हैं उसमें शराब का बड़ा हाथ है। अगर क्राइम पर लगाम लगाना है तो शराबबंदी करनी होगी। शंकराचार्य के बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शराबबंदी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शराबबंदी के वादे से मुकर गई, विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी, तो वहीं बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में शराबबंदी नहीं चाहती है। लगाएगी तो सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाएंगी और शराब पी के जो आएगा गांव में उसको सफाई कर देंगे, और उन्होंने ये शुरू किया। घर घर दो चार जहां पिटे, अब गांव में शराब आना बंद हो चुकी है। बिहार में शराबबंदी हुई, नीतीश कुमार जी ने किया, लेकिन ब्लैक में वहां मिल रही है। गुजरात में जाने कितने समय से, जब मोरारजी देसाई का कार्यकाल था उसी समय से नशाबंदी है, लेकिन हर गांव में शराब मिलती है। बीच बीच में कच्ची शराब पीने से कई लोग मरते भी हैं, उसके समाचार भी प्रकाशित होते हैं। तो कानून से वो बात नहीं होती है, जब जनता स्वयं चाह लेती है तब चीज हो जाती है। अगर जनता चाहेगी सरकार को मदद करनी चाहिए, बंदी करनी चाहिए। देखिए, जितने अपराध हो रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंश शराब पीने के बाद किए गए अपराध का है। अगर शराबबंदी कर दी जाए तो अपराध का ग्राफ नीचे चला जाएगा। इसलिए अपराधों से अगर बचना है तो शराब को बैन करने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से राज्य में कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी के वादे पर, पूर्ण शराबबंदी का वादा किया, भारी बहुमत से राज्य में सरकार बनाई, और आज राज्य की कांग्रेस सरकार शराबबंदी के वादे से मुकर गई है, और मुकरने का कारण भी बहुत स्पष्ट रूप से जनता के सामने है कि शराब में जिस प्रकार से अवैध कमाई हो रही है, घोटाले वो कर रहे हैं, और इसलिए शराबबंदी के वादे से कांग्रेस पार्टी मुकरी है। 2023 में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जाते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था उसको बढ़ा के 5000 करोड़ जाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोचियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मूड में आ गई है, और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर कोंडागांव पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मंडल स्तरीय बैठक ली और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बस्तर क्षेत्र की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं बीजेपी प्रभारी ने नए संसद भवन के लोकार्पण पर कांग्रेस की नाराजगी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के उद्घाटन के दौरान क्या किया था, साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ दौरे पर आए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के सवाल पर पलटवार किया। कि मैं एक एक विधानसभा की कोर टीम जो 15-16 की होती है उसके साथ भी बैठ रहा हूँ, बड़ी टीम के साथ भी बैठ रहा हूँ, जिले की टीम के साथ भी बैठ रहा हूँ, और हर
टीम को यानी हर कार्यकर्ता को काम में हाथ दे रहा हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि निश्चित रूप से 12 की 12 सीट जीतेंगे, पर शायद उनकी कल्पना में यह नहीं था कि फाउंडेशन भी यही करेंगे और उद्घाटन यही करेंगे। तो इसलिए तो उन्होंने ये विषय उठाया कि राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, संसद भवन है। और मैं कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूँ, अभी आपने छत्तीसगढ़ में क्या किया? उत्तर प्रदेश के श्री प्रमोद तिवारी जी आए थे, उन्होंने हमसे 9 सवाल तो पूछे, लेकिन साथ साथ में एक बात और कह गए कि मैंने नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री दिखाई थी और उसमें 24 में कोई उनके शासन का हक नहीं बनता है, उनमें योग नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कांग्रेस को और मेरे मित्र प्रमोद जी को ये कहना चाहूँगा कि पहले वो कांग्रेस की जन्मपत्री दिखाएंगे तो ठीक रहेगा, कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है उसकी चिंता करें। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी के मीडिया संवाद में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2014 में एक नई उम्मीद जागी है, देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को चुना, इसलिए देश अब अमृतकाल की ओर बढ़ रहा है। मुंडा ने कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दिव्यांग के कैटेगरी में लाए गए, जिससे कि उन्हें भी इन सारी योजनाओं का लाभ देते हुए प्रोत्साहित कर सके। देश 6 दशक में जो नहीं कर पाया वो 9 साल में करने का काम किया। हमारे डिलीवरी मैकेनिज्म स्ट्रांग हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक चैन मैनेजमेंट आपातकाल की स्थिति में, आपदा के समय में दिखी। मोदी सरकार ने रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण, जो एक असंभव कार्य था, उसको हासिल। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। गेम चेंजर साबित हो सकते हैं नए वोटर्स, 5,80,000 नए वोटर्स करेंगे भाग्य का फैसला। नए वोटरों के नाम सूची में जोड़ने की प्रक्रिया अब तेज हो रही है। 3.5 लाख नए वोटर्स के नाम अब तक जुड़े हैं, 2 लाख के करीब और भी जुड़ेंगे नए वोटर। 4 अक्टूबर को होगी फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित। तो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं नए वोटर्स। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर फिर सियासत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का सरकार पर निशाना, शराबबंदी के वादे से मुकर गई सरकार। रायपुर में शराबबंदी को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद का बयान, अगर क्राइम पर लगाम लगाना है तो करनी होगी शराबबंदी। रायपुर में बीजेपी का कार्यक्रम, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मीडिया संवाद का आयोजन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। मिशन बस्तर पर बीजेपी कोंडा गांव पहुंचे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मंडल स्तरीय बैठक में हुए शामिल। फिर बड़ी सीजीपीएससी की मेंस परीक्षा की तारीख, अब 30 मई तक भरा जाएगा फॉर्म, दूसरी बार बढ़ी तारीख। सीएम निवास में मुख्यमंत्री बघेल ने शंकराचार्यों का किया स्वागत, पादुका पूजन कर लिया आशीर्वाद। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज, 1 से 3 जून तक होगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों और विदेशों के रामायण मंदिर देंगे प्रस्तुति। रायपुर में कई स्थानों पर चला निगम का बुलडोजर, फुटपाथ से हटाया गया अतिक्रमण। रायपुर में चुनावी तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ऑफिस में वर्कशॉप। धमतरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मगर लोड में फर्जी रॉयल्टी से रेत बिक्री करने का आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल। दुर्ग में होटल टाउन हाउस में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। जगदलपुर में गांगे नाले के पास मिला शव, मृतक की हुई पहचान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बलौदाबाजार में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। भिलाई में छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर दी जान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बिलासपुर में हजारों की चोरी मामले में बड़ा खुलासा, अब तक बरामद हुए 53 लाख रूपये। बलौदाबाजार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार, मौके से 1 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। धमतरी में ग्रामीणों का हंगामा, पंचायत भवन का किया घेराव, रावण भाटा में अतिक्रमण हटाने की मांग।
कवर्धा में पटवारी संघ की हड़ताल, बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन, मांगे पूरी होने तक हड़ताल की धमकी। और इसी के साथ ही सुपर फास्ट छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में इतना ही है।